guys, welcome back to my channel Pragya BNM English Literature. So guys, in this video today we are going to study about the topic Chick Lit. What is Chick Lit and what is जंक फिक्शन? इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे. एंड दिस इज गिवन इन यूनिट 3 ट्रेंड्स इन 20th एंड 21st सेंचुरी फिक्शन. And this is for me part 3 semester 5. Your paper name is British American and Indian popular fiction. तो ये आपका पेपर का नाम है और यूनिट 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. उसमें 2 पॉइंट्स बचे हुए थे, चिक लिट और जंक फिक्शन. तो इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे. व्हाट इज चिक लिट, ओके. एंड यूनिट 3 में हमने ऑलरेडी बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है. फिक्शन के टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. तो उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आपको चैनल पर जाना है, प्ले लिस्ट में सर्च करना है बी एड 5 सेमेस्टर ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन. वहाँ पे आपको यूनिट 1, 2, 3 के भी वीडियोस मिल जाएंगे, ओके. एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी. एज यू ऑल नो सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, तो सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है. चाहे आप BBS PU से हो, MG KVP से हो, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, कहीं से भी, तो सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है. एंड इसके अलावा अगर आप इंडिया के किसी अदर स्टेट से भी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपके सिलेबस में फिक्शन के जॉनर्स दिए गए हैं जैसे कि चिक लिट क्या है, जंक फिक्शन वगैरह, तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. लेट्स रीड व्हाट इज चिक लिट एंड व्हाट इज जंक फिक्शन. सो क्या है ये चिक लिट? इंटरेस्टिंग सा ही पॉइंट है, ये टॉपिक है, ये एक फिक्शन का जॉनरा है. ये एक्चुअली ए जॉनरा ऑफ फिक्शन दैट एड्रेसेस इशूज ऑफ मॉडर्न वीमेनहुड प्रेजेंट्स इन लाइट हार्टली एंड ह्यूमरसली. ये एक फिक्शन का ही जॉनरा है जो कि वीमेन के इशू से रिलेटेड है, मॉडर्न वीमेंस के इशूज से रिलेटेड है ये. और ये प्रेजेंट किया जाता है इन लाइट वे में एंड ह्यूमरस वे में, यानी कि हास्य तरीके से और बहुत ही लाइट वे में ये स्टोरी को प्रेजेंट किया गया होता है. वीमेन के इशू से रिलेटेड होता है, ओके. इतना क्लियर है कि ये वीमेन से ही रिलेटेड है ये जो फिक्शन है, ये चिक लिट जो है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स डैट आर मेनली रिटन बाई वीमेन फॉर वीमेन. और ये जो चिक लिट्स की बुक्स होती हैं, ये बुक्स वीमेंस के थ्रू ही राइट की जाती हैं और वीमेन के लिए ही राइट की जाती है. यानी कि इनकी जो ऑथर्स होती हैं इस स्टोरी की, वो भी वीमेंस ही होती हैं और इसमें जो इशूज होते हैं, जो मैटर होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी वीमेंस के ही होते हैं, ओके. सो व्हाट आर द प्लॉट्स, व्हाट आर द थीम्स एंड इसकी ओरिजिन वगैरह कहाँ से हुई है और क्या नॉवेल्स हैं, उनको भी इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को वॉच कीजिएगा लास्ट तक. सो व्हाट इज़ द प्लॉट, क्या प्लॉट है? सो यूजली मूव अराउंड द वीमेन हु एक्सपीरियंस वेरियस थिंग्स इन देयर लाइफ. तो इस नॉवेल का, इस तरह के जो फिक्शन होते हैं, जो नॉवेल्स होते हैं, इनके जो प्लॉट होते हैं, जो उनकी स्टोरी होती है, वो वीमेन के अराउंड ही वो स्टोरी घूमती रहती है. ऐसी वीमेंस जो कि एक्सपीरियंस करती हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि लव, मैरिज, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, ये सभी एक कॉमन सा थीम है वीमेन से रिलेटेड. इनको आप थीम्स भी बोल सकते हैं. तो ये सारे इशूज़ हैं जो वीमेंस से रिलेटेड है और उन्हीं की स्टोरी इसमें दी गई होती है, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड, ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट, चिक लिट वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. और ये जो चिक लिट है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 1990 के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइमिंग में चिक लिट बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वीमेन नॉवेल्स बिकॉज इट डिस्क्राइब्स ओनली दैट पार्ट ऑफ वीमेंस लाइफ व्हेन दे हैव गेन्ड capacity and experiences alone in society, while other women novels covers a very long period. और ये other women novels से थोड़ा different है चिक लिट, because I have written here. क्यों different है? Because it describes only that part of women's life जो कि वो experience करती हैं alone in society. जबकि other women's novels में क्या होता है कि वो एक लंबे time period को cover करते हैं, women's से related जो issues होते हैं. और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, जो इस तरह के ये जो थीम्स मैंने राइट कर रखे हैं, जो चिक लिट से लव हो गया, मैरिज हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, फ्रेंडशिप वगैरह, ये अक्सर जेन ऑस्टेन के नॉवेल्स में देखे जाते हैं. जेन ऑस्टेन ये वीमेन नॉवलिस्ट है, रोमांटिक एज की है, ये वीमेन ऑथर, वीमेन नॉवलिस्ट है. नॉवेल्स इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, उनके नॉवेल्स में ये सारे थीम आपको मिल जाते हैं. एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है और कौन कौन से चिक लिट लिटरेचर है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मॉमी लिट. चिक लिट को मॉमी लिट भी बोलते हैं. इन मॉमी लिट इन विच वीमेन आर वरीड अबाउट शॉपिंग, बॉयज़ एंड देयर रिलेशंस विद गर्ल्स और बॉयज़. एंड इसके ओरिजिन कहाँ से हुई थी? व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ चिक लिट? सो दिस टर्म, ये जो टर्म है चिक लिट, Chicklit term. This term can be traced in America, and there it was used as a slang term for young women. अमेरिका में ये term trace किया जाता है, and there it was used as a slang term for young women. Okay, and this lit, ये जो word है lit, lit is shortened word for literature. Actually में ये literature का ही short word है lit. And this term appeared in 1988 in print as something insulting for female literary tradition that didn't like much. Okay, and next point, in 1995 Chris Maja and Jeffrey Dischel, ये two people हैं, they used this term in an ironical way for their anthology Chicklit: Post Feminist Fiction that defined as second वेव फेमिनिज्म. 1995 में इन लोगों ने इस टर्म को आयरॉनिकल वे में इसको यूज़ किया है. चिकलिट पोस्ट फेमिनिस्ट फिक्शन का एंथोलॉजी था, उसी में इस टर्म को यूज़ किया है इन लोगों ने. वहाँ पे दैट डिफाइंड एज सेकेंड वेव फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकेंड वेव फेमिनिज्म, ये सभी आप जब कभी आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको स्टडी करेंगे क्या है. फिलहाल हम इस पर आते हैं सिलेबस पे. So, The Girl's Guide to Hunting and Fishing by Marissa Bank. This is known as first regular Chicklit work as a novel. तो ये novel है, इन novel को first regular Chicklit work as a novel consider किया जाता है. Okay, you can note down it. And ये two novels हैं Chicklit से related. Bridget Jones's Diary. This is written by Helen Fielding. And next novel is Sex and the City. This is written by Candace Bushnell. So आज के इस वीडियो में हमने चिकलिट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है. So note down it, and next वीडियो में हम लोग जंक फिक्शन को स्टडी करेंगे. So make sure चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल रही हो तो लाइक दिस वीडियो. एंड वीडियो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे राइट करके जरूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल. गॉड ब्लेस यू.